में पहले मजबूत थी उसी तरह से आज मजबूत है। पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय चौधरी जिला भिवानी के अध्यक्ष सुनील लांबा जी, विधायक आलने वेद नारंग जी, विधायक ओम प्रकाश मोहरा जी, मनसा सिंह इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। पैड़ी है, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कुलबीर सिंह ग्रेवाल जी से, जिन्होंने जननायक सरोगेट चौधरी जयलाल की चांदी की मूर्ति चौधरी अभय सिंह चौधरी जी को भेंट करेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आपके हल्का भिवानी के अध्यक्ष आप सबको निमंत्रण देने वाले, मुझे आप सबके रूबरू करने वाले अजीज विशाल गरेवाल जी इसमें हो जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से शाम को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब केवल मात्र एक है कि लोकसभा के चुनाव की आज तारीखें तय करके देश में किस किस राज्य में किस किस दिन चुनाव होगा, उन चुनावों की प्रेस के माध्यम से देश के लोगों को जानकारी देने का काम करेंगे। कुलवंत कोटिया जी कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल एक बार रात को 1 बजे के करीब गांव बामड़ा में पहुंचे, न केवल फूल चढ़ाने का काम किया बल्कि वासुदेव शर्मा को भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम किया। आज चुनाव की घोषणा हो रही है और आज चुनाव के इस समय में पार्टी की तरफ से भी मान करके चलो कि ये पहली सभा है और गांव के अंदर हजारों की संख्या में बुजुर्ग शामिल हो, नौजवान शामिल हो, माताएं और बहने आए, तो फिर मान करके चलो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरह चौधरी देवीलाल के एक आह्वान के ऊपर आपने पूरे गांव को एक साथ खड़ा करके एक एक वोट उनके कहने पे डॉक्टर वासुदेव को जिता करके भेजा था, उसी तरह से पार्टी की तरफ से इस लोकसभा के चुनाव में जिस किसी को भी महेंद्रगढ़ और भिवानी के इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके भेजा जाए, आप उसको अपना एक एक वोट उसके पक्ष में डाल करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके गांव से भेजना। कुछ आप अखबार पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, इस बात को लेकर के देश में बड़ी बहस हो रही है कि आने वाले समय में कौन सत्ता में आएगा, कौन इस देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, इसको लेकर के लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, कयास लगाते हैं और लोग जब चर्चा करते हैं तो 100% आखिर में नतीजे पे पहुंच करके ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर मिलीजुली सरकार बनेगी। इस देश में किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। पिछली बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देश में बहुमत देकर के चुना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे करने का काम किया था, देश की सत्ता से दूर करना चाहते थे, जहां लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात पे विश्वास और भरोसा करके इस देश की सत्ता सौंपने का काम किया और सत्ता में आए हुए आज 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को हो गए। लोग ये उम्मीद करके मानते थे, ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, लोगों ने अच्छे दिन के लिए
जहां अपना वोट दिया, मत दिया, जहां सरकार बनाई, वहीं पिछले 5 वर्ष में इस देश के हर वर्ग के लोगों को इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मायूस करने का काम किया। कांग्रेस का जन आधार लगातार खत्म होता जा रहा है। आज तो जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से आज देश को समझ सकते हैं, उन लोगों का कहना है कि अब की बार एक एक मेंबर पार्लियामेंट की कीमत 10-10 के बराबर होगी। अगर आपने अपना यहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके भेजा, और अगर हमारा सांसद लोकसभा में इस क्षेत्र से जीत करके गया, तो 100% मान के चलो इस किस्म के हालात के अंदर उस सांसद की भी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत पार्लियामेंट में आपको दिखाई देगी। 100% ये मान करके चलो कि आज की हरियाणा प्रदेश की सरकार जो इस बात से कहीं भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा दिया तो जैसे लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से दूर किया था, भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर दें। अब जाते जाते सरकार लोगों के बीच में तरह तरह के वायदे करती है और फिर लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मतदाता हमारे प्रदेश का आज इतना समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के झांसे में ना आकर के आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से प्रदेश में सरकार बने, इसके लिए 100% अपना एक एक वोट, एक एक मोर एनक के निशान पे लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिता करके इस प्रदेश की सत्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंपने का काम करे, तो सदा इस देश में, प्रदेश में एक बड़ा सम्मान देने का काम करूंगा। जो पगड़ी आपने मुझे पहनाई, मैं ये पगड़ी हमेशा इसको बड़ा मान सम्मान दूंगा। इस पगड़ी को आज लाला के सर पे पहना करके इनसे भी कहूंगा कि आप भी अब ताउम्र चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करना, यही आपसे उम्मीद और भरोसा करूंगा। और इनके साथ साथ कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया, चाहे हम सत्ता में थे चाहे सत्ता से बाहर थे, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में खड़ा रहा। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हरियाणा का किस चरण में चुनाव होगा, उसी हिसाब से हमारा कार्यकर्ता आज से ही चुनाव की तैयारी में, और चुनाव को कैसे अपने बूथ में जीतना है, कैसे गांव में जीतना है, इस बात के लगे हुए। आज आपने देखा कि बावड़ा गांव के अंदर किस तरह से लोगों में उत्साह था, कितनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग थे, नौजवान थे, बच्चे थे, माताएं बहनें थी। ये मान के चलो इन लोगों का सरकार के प्रति एक बड़ा गुस्सा है, और लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास कर चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में लोकसभा के 10 के 10 सीटों पे हमारे प्रत्याशी जिता करके भेजे। आज 3 घंटे लेट आने के बाद भी इतने घाव थी, धूप थी, उसके बाद मार्जिन कम रहेगा। हमारी पार्टी का वोट जो है हमेशा 25% से ऊपर रहा है। इस बार क्योंकि लंबे समय तक हमने लोगों के बीच में रहकर SYL की लड़ाई को लड़ा है, और आने वाले समय में फिर SYL का पानी मिले, इसके लिए हमने हांसी के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद हम फिर लोगों के बीच में उनके अधिकारों के लिए जन अधिकार यात्रा शुरू कर देंगे। लोगों को हमारी पार्टी पे विश्वास और भरोसा है, हमारा वोट बैंक इस बार 100% 25 की जगह 30% पे जाएगा। जिसपे 30% वोट अकेले राजनीतिक दल पे होगा, वो सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की होगी। इस काम के लिए हमारी तो कोई बातचीत हुई नहीं, लेकिन मीडिया अपनी तरफ से रोज नए कयास, रोज इस तरह की बात करता है कि कहीं आपका गठबंधन हो रहा है। 100 करोड़ अगर चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं तो
हो सकता है उनका अपना कोई प्रश्न था, हो सकता है वो हरियाणा भवन में गए और मुख्यमंत्री वहां हूं। मैं मुख्यमंत्री के पास परसों आधा घंटा बैठ कर गया, आपने तब तो नहीं चलाई किसी ने बात कि कोई गठबंधन हो। बीजेपी ये सिर्फ हमारे जो विरोधी हैं वो आप लोगों को आकर के इस तरह की बात करते हैं कि फलाना जा रहा है। जाजू कोई नहीं रहा, अब तो आने वालों का तंता लगने वाला है। सर बीजेपी वो अभियान चलाए हुए मिशन 10 लोकसभा की सीटें, तो वो कह रहे कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, किसी को भी नहीं फटकने देंगे। सारे के सारे आप भी मुझे लगता है रात को जब सोते तो कई सपने लेते होंगे।